अस्सलाम वालेकुम। तो दुनिया आईफोन चला रही है लेकिन पाकिस्तान में अभी तक प्राइसेस स्टेबल नहीं हुई है और मुझसे काफ़ी ज़्यादा लोग पूछते हैं कि कब लें, कब बाय करना ठीक होगा, क्योंकि अभी प्राइसेस आपको पता है 50 से 70 हज़ार रुपये आप एक्स्ट्रा दे रहे होंगे बिना वजह के उस फ़ोन के लिए, क्योंकि मार्केट से अभी शॉर्ट है, ब्लैक में बिक रहा है, ऊपर से हमारा डॉलर जो है वो ऊपर जाता जा रहा है, अभी भी 171.42 समथिंग का एक डॉलर चल रहा है। ऐसे में कुछ लोगों को गाइडेंस बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि हर कोई मार्केट से कनेक्टेड नहीं होता, और अगर आपके लिए 50 से 70 हज़ार रुपये कोई बड़ी अमाउंट नहीं है तो आप इस वीडियो को देख भी नहीं रहे होंगे और आपने डेफिनेटली एक फ़ोन बाय कर लिया होगा। लेकिन अगर आपको इतने पैसे बचाने हैं तो आपको एक राइट टाइम के लिए वेट करना है कि आईफोन के प्राइस स्टेबल हो और आप बाय कर सकें। लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने अनबॉक्स किया था आईफोन 13 प्रो मैक्स को, 256 GB वेरियंट था और वो नॉन पीडीए था बेसिकली, उसकी प्राइस थी 3,20,000 रुपये। और अब मुझसे लोग पूछें कि उसके अब प्राइसेस क्या चल रही है, तो इतना बड़ा डिफरेंस नहीं आया टू बी ऑनेस्ट, आपको मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। अब वो जो 3,20,000 रुपये का 256 GB वेरियंट था उसकी प्राइस 5,000 रुपये कम हुई है और वो 3,15,000 रुपये का अभी भी नॉन पीडीए मार्केट में बिक रहा है, जो कि ऑब्वियसली अपनी ओरिजिनल प्राइस टैग से या फिर डॉलर के कन्वर्जन जो होता है उस प्राइस टैग से बहुत ज़्यादा हायर है। और इसी तरह अगर आप 128 GB का वेरिएंट देख रहे हैं तो वहां पर आपको दिख रहे हैं 2,95,000 रुपीज, जो कि समहाउ 3,00,000 रुपए बनता है। और अगर हम इसके डॉलर के प्राइसिंग की बात करें तो वो बनते हैं $1,100, जो कि 1,85,000 बनता है। पीटीए का टैक्स डालने के बाद आपको ये फोन 2,45,000 या 2,40,000 रुपए में पड़ना चाहिए, लेकिन हम क्या देख रहे हैं, ये आपको 2,95,000 रुपए पड़ रहा है, यानी कि 50 से 60 हज़ार रुपये महंगा। उससे बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम और यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे, क्योंकि मैंने खुद बोला था कि अक्टूबर के स्टार्टिंग में और 10 से 15 तारीख अक्टूबर की स्टेबल हो जाएंगी प्राइसेस और फोन की शॉर्टेज भी कम हो जाएगी, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पर एक और बड़ा मसला है डॉलर का, जो कि आए दिन ऊपर जाता जा रहा है, उस वजह से भी मार्केट में प्राइसेस स्टेबल नहीं है। वो रोज प्राइसेस अपडेट हो रही होती हैं और अभी तक तो बढ़ी रही हैं और नीचे आने का नाम नहीं ले रही, तो यहाँ पर मैं आपको एक और भी प्रेडिक्शन नहीं देने वाला कि इस टाइम तक वेट कर जाएं। अब देखते हैं मार्केट में स्टेबिलिटी कब तक आती है, और जब भी आएगी मैं ऑन द स्पॉट उसी सेम डे में वीडियो लेकर आ जाऊँगा। तो यहाँ पर मैं आपको अभी तो बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता कि आप इस प्राइस टैग में इन फोन्स को बाय करें, करने वाले पहले कर चुके हैं, और अगर आप थोड़े बहुत पैसे सेव करना चाहते हैं तो आपको डेफिनेटली वेट करना चाहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर आपका कोई रिलेटिव बाहर से आ रहे हैं किसी भी कंट्री से तो आप उनके थ्रू फोन मंगा सकते हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा चीपर पड़ जाएगा, क्योंकि वहाँ पर एक तो आपके पास ट्रैवल पासपोर्ट भी होगा, वहाँ पर भी आप 20% डिस्काउंट ले पाएंगे। तो ये वाला तरीका अभी तक बहुत कामयाब है और बहुत सारे लोग इस तरीके से बहुत सारे पैसे बचा चुके हैं, लेकिन हर किसी के पास ये सहूलत मौजूद नहीं होती, तो यहाँ पर आपके अंदर सब्र होना ज़रूरी है। सब्र कर लीजिए, या फिर अभी भी इस प्राइस टैग में आपको 1 घंटे में फ़ोन डिलीवर हो जाएगा, अगर आप बाय करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, अपडेटेड वीडियो मैं आपको देना चाह रहा था, मैं बहुत टाइम से वीडियो अपलोड नहीं कर रहा, फाइनली वो जो भी मसले मेरे चल रहे थे, थोड़ी तबीयत भी बीच में खराब थी, वो डेफिनेटली अब ठीक हो गई है और अब रोज वीडियो आएंगी डिफरेंट मसले के मुताबिक, और मैं अब एंड्रॉयड साइड में भी हिट करने वाला हूँ। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।